the training. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? ऑब्वियसली सर किरण हमारे साथ हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे एंड में शुरू में पूछ सकते हैं. ओके, जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, कोई भी शख्स जो ओरिफ्लेम को ज्वाइन करता है, चाहे उसका ताल्लुक लाहौर से है या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से है, या ओरिफ्लेम के 65 कंट्रीज में ओरिफ्लेम एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं 1967 में, आपका किसी भी जगह से ताल्लुक है, ओरिफ्लेम आम तौर पर लोगों के लिए तीन तरह से एक अपॉर्चुनिटी बनकर आता है और लोग इसको तीन तरह से लेते हैं डिफरेंट तरीके से. ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं एज अ यूजर. वो ओरिफ्लेम के मेंबर बनना पसंद करते हैं और उसकी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि यूजर बनकर हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करते हैं ताकि वो 20% जो उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है वो लोगों से एज अ प्रॉफिट लेना शुरू करें. चूंकि वो मेंबर होते हैं और उनको एक डिस्काउंट सर्टन मिल रहा होता है, वो अपने कस्टमर से वो एज अ प्रॉफिट वो डिस्काउंट लेना शुरू कर देते हैं. और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो इन दोनों कैटेगरी से बियॉन्ड होती है, वो होती है लीडर कैटेगरी. मगर जब भी आप शुरू में आते हैं, आप यूजर होते हैं, आपको ज्यादा बिजनेस का नहीं पता होता, तो आप ज्यादातर लोग इसको एज ए यूजर ही यूज कर रहे होते हैं. मगर इस अपॉर्चुनिटी के अंदर व्हाट इज इन इट फॉर यू, आपके लिए क्या है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता और बहुत से लोगों को जो होता है टाइम के साथ स्टार्ट डिस्कवरिंग कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है. सो हम बात करेंगे कि आपके लिए क्या मौजूद है. इसको जानने के लिए बेसिकली सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, अगर जो लोग ओरिफ्लेम में अर्न कर रहे हैं, अर्निंग के पीछे एक, अगर वो लर्निंग की एक पूरी स्ट्रैटेजी पीछे रख लें तो वो बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या होती है, हम बगैर लर्निंग के अर्निंग करने की कोशिश करते हैं एंड वी एंड अप एक फेलियर की सूरत में. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जैसे कि मैंने अपने पहली स्लाइड में बात बोली कि ओरिफ्लेम 1967 से दुनिया में काम कर रहा है, यानी हमें 55 ईयर्स हो चुके हैं पूरी दुनिया में काम करते हुए. उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने कहा हम 65 कंट्रीज में काम कर रहे हैं और ये स्वीडन का ब्रांड है. जब मैं, अगर आप मुझे कोई भी शख्स से बात कह सकता है, इतनी पुरानी कंपनी है, इतने सालों से काम कर रही है, तो मुझे बताइए कि आपकी प्रोडक्ट हमने तो कभी मार्केट में नहीं देखी, हमने तो कभी इसका कोई इश्तेहार नहीं देखा, हमने तो कभी कोई बिलबोर्ड्स नहीं देखे, कैसे आपकी कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है? बिकॉज जब हम कोई भी प्रोडक्ट को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में एक किस्म का तासुर आ रहा होता है प्रोडक्ट को लेकर, और वो ये होता है कि हमें मार्केट में प्रोडक्ट मिलनी चाहिए. क्योंकि आज तक हमने, बचपन से आज तक एक ही तरीके से परचेजिंग की है. जब भी किसी के पास कोई प्रोडक्ट होती है, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो घर में कुछ उगा रहा है, चाहे घर में कुछ हैंडमेड बना रहा है, चाहे उसके फार्म्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, तो अगर उसके पास कोई बल्क में प्रोडक्ट होती है, या तो वो खरीदता है या वो बेचता है. इसके अलावा कोई तीसरा हमारे जहन के अंदर चीज नहीं आती प्रोडक्ट को लेकर, या आप बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं. और नॉर्मली प्रोडक्ट बेचने और खरीदने का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, अगर आप बहुत पीछे सदियों पहले भी चले जाएं, जब बार्टर ट्रेड होती थी, तो तब से ये कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ देकर कोई चीज ले सकते हो, जब करेंसी नहीं थी. सो हमें ये मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, बाजार का, जहां पर एड्स और बिलबोर्ड्स और तमाम इश्तेहारात देने के बाद आप मार्केट से चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट लाइन नजर आती है, तो आपके जहन में फौरी तौर पर उस प्रोडक्ट्स को देखकर एक चीज जहन में आती है कि आप बेचते हैं या खरीद लें. ठीक है, सो मगर इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि इतना सब कुछ हमें मार्केट से, तो हम लर्न करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं, उसके बिलबोर्ड्स होते हैं. सो ओरिफ्लेम इतना पुराना होने के बावजूद, इतनी अच्छी वो क्लेम करते हैं, प्रोडक्ट भी है, उसके बावजूद भी हम प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं देते, आपने आज तक उसका इश्तेहार क्यों नहीं देखा? तो इस हिस्ट्री को जानने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि हम क्या हैं. जैसे मैंने आपको बताया, हम 50 साल पुरानी कंपनी है और ओरिफ्लेम का एक विजन है कि एम्पावर करें लोगों को ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें. अब लाइफस्टाइल को चेंज करें और एम्पावर करें, इसका ताल्लुक बेचने से शायद नहीं होगा. आप क्या करेंगे,
बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को और हाई क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हम एक दूसरे को बताते हैं। सबसे पहली बात, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, स्वीडन से बनी हुई है, नेचर और साइंस को कॉम्बो है। ओरिफ्लेम यूरोप की लार्जेस्ट ब्यूटी सेलिंग कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब यहाँ पर आपको मेरे इस वर्ड को पिक करिए, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो पूरी दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ पूरी दुनिया के अंदर हमारे इस वक्त 40 लाख एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं, जो ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और उनको आप इंडिपेंडेंट सेल कंसल्टेंट अराउंड द वर्ल्ड कह कह देते हैं। देखिए, एक कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, मगर उनका मफहूम जानने की जरूरत है। हर सेल का मतलब बेचना नहीं होता। अब जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ओरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये हिस्ट्री जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग से मुराद ये होती है कि आप पहले डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कोई इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिस तरह अभी कोविड के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑनलाइन का आया है। हमेशा दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस किसी वजह से आए हैं, तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट आया गया कि डायरेक्ट सेलिंग पर चीजों को बेचा जाए। दुकानें नहीं थी, लोगों के पास किराए देने के लिए नहीं थे, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी, सो पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब थे। उस वक्त एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप एक प्रोडक्ट को डायरेक्ट हो जाए, यानी थर्ड पार्टी निकाल दे, थर्ड पार्टी कौन होती है, फर्स्ट करें, एक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हुई किसी एक जगह, एक वेयर हाउस में, वहां से चली एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, कॉस्ट बढ़ती चली गई, वहां पे उसकी कम्यूट का जितना है, ट्रांसपोर्टेशन कराया, सब कुछ बढ़कर, अगर एक प्रोडक्ट बनी 50 रुपए की थी, जब तक वो सिटी में एक दुकान में लगकर खड़ी होती है, जिसमें बिल बोर्ड, आपके एडवर्टिजमेंट, आपके सेल्स गर्ल के पैसे, बिजली का बिल मिलाकर वो 1,000 रुपए की हो जाती है। आप जाते हैं, वो चीज लेकर आते हैं, आकर लेकर घर आ जाते हैं, मगर उस चीज को बनने से लेकर आप तक आने तक, जिस जो इसकी कीमत 50 रुपए से 1,000 रुपए होने तक, बहुत सी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस हाई हो जाती है। जब आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट इस प्रोसीजर के थ्रू जब आती है, फर्ज करें मैं किसी भी जैम की बात करूं, मैं किसी मामलेट्स की बात करूं, मैं कपड़ों की बात करूं, जूतों की बात करूं, किसी भी ब्रांड मेकअप की बात करूं, तो वो इस प्रोसीजर के थ्रू आती है। इसके बाद उसमें मार्केटिंग का बजट होता है, मगर इस सब के बावजूद जब आप वो प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद आप एक अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं, बचपन से लेकर आज तक आप उसको रिकमेंड करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स और सर्कल में। ग्राई वाटर अच्छा है, ये वाली पैनाडॉल बेहतर है दर्द के लिए, कालपोल ना यूज करना, ब्रूफेन ना लेना, वो ज्यादा हार्ड है। इसके बाद हम लोग बता रहे थे विटामिन डी के लिए आप ये चीज ले लें, ये अच्छा स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को भेजिएगा, ये अच्छा ट्यूशन सेंटर है, यहाँ के कपड़े अच्छे होते हैं, नहीं यार यहाँ के रंग खराब हो जाते हैं, कपड़े उधर जाते हैं, नहीं यार यहाँ के जूते ले लेना, जूते ठीक मिलते हैं यहाँ पे, नहीं यार यहाँ के जूतों बड़े पेनफुल होते हैं, हर्ट करते हैं। सो हम भी कीप ऑन प्रमोटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दुनिया की लोगों को हम प्रमोट कर रहे होते हैं बगैर किसी फायदे के। यू आर डूइंग दिस सिंस चाइल्डहुड। अब ये सारा मैंने आपको एक ट्रेडिशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसमें मार्केट निकल जाती है, इसमें बिलबोर्ड्स निकल जाते हैं, इसमें एड्स निकल जाते हैं, इसमें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, मतलब आपका आपकी शेल्फ निकल जाता है ना। अब इसके अंदर हम सारी पावर किसे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। हम हर किस्म का फायदा किसे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। आप कोई थर्ड पार्टी नहीं, आप डायरेक्ट हो गए हैं कंपनी के साथ। पूरी दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक बिक रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सिर्फ एक ओरिफ्लेम एक कंपनी नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत से ब्रांड्स डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रहे हैं। हमें नहीं अगर एक चीज पता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है, मगर ट्रेडिशनल मार्केट के बिलबोर्ड्स और एड्स का इतना ज्यादा झुंझट्टा होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं पाते। पूरी दुनिया में बहुत सी कंपनीज है, एवॉन इज वन ऑफ द कंपनीज, मैरी क्ले है, उसके अलावा एनवे है, बहुत सी कंपनीज है। सो आपको ये बताने का मेरा मकसद ये है कि सुई से लेकर जहाज तक इस तरह की मार्केट के अंदर बिक रहा है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो थर्ड पार्टी होती है वो आप होते हैं, और तमाम फायदा और पैसे हम आपको दे रहे होते हैं। मगर ये फायदा और पैसे और लाइफ चेंज आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप
उस कंपनी का पार्ट बनते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, जूं आप ओरिफ्लेम के साथ जुड़ते हैं, कंपनी एक आपको नाम देती है जिसका नाम होती है ब्रांड पार्टनर। तो जब आप इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं एज अ ब्रांड पार्टनर, तो आप सबसे पहला जो एक्सपीरियंस करते हैं एज अ ब्रांड पार्टनर, तो आप ब्यूटी ब्रांड पार्टनर बनते हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट लाइन के साथ एसोसिएट होते हैं, या हम आपको कोच करते हैं, गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बनती कैसे है। हमारी 7 फैक्ट्रीज है जिसमें हमारी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होती है, हमारे R&D सेल्स हम रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से पहले का जो अमल होता है, यानी हम अगर बीज उगाने से प्लांटेशन की बात करें तो तब वो भी हमारे ही हाथ में, हम किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ नहीं लेकर आते। ओरिफ्लेम के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्वीडन के फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है। किसी किस्म का कोई लेट, कोई स्टीरॉइड्स, कोई मर्करी, कोई एनिमल फैट हमारी किसी प्रोडक्ट में नहीं डाला जाता। इवन हम एनिमल टेस्टिंग भी नहीं करते, बनाने के बाद हम जानवरों पर टेस्ट भी नहीं करते। मेरी और मेरे कुत्ते की स्किन एक नहीं है, सो हमारे पास वॉलंटियर्स का एक अच्छा खासा नंबर है जिन पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं आफ्टर मेकिंग इट। आपने कैटलॉग के ऊपर देखा होगा कि 86% औरतों ने कहा हमने यूज किया, हमें ये अच्छा लगा, 90% ने कहा हमने ये ऐसे यूज किया, हमें ये लगा। तो कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं वो भी, उसका रिजल्ट भी हमने शो किया हुआ होता है प्रोडक्ट्स के स्किन के साथ। ठीक है, सो हमारी प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती हैं हम इसके बारे में टोटल लोगों को बताते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबली हमारे पास तकरीबन 1600 के लगभग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में कैटलॉग का पीरियड हर 3 महीने के बाद हम कैटलॉग को चेंज करते हैं, जिसमें पुरानी प्रोडक्ट्स कुछ निकल जाती हैं, डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, नई प्रोडक्ट्स ऐड हो जाती हैं। कुछ डिस्काउंट्स फॉर अ सर्टन पीरियड होते हैं, यानी उस कैटलॉग की हद तक होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स पर होते हैं जो उस सीजन की प्रोडक्ट्स होती हैं। बेसिकली अगर गर्मी है, बरसात है, तो एक स्पेशल हम तरह की प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स लेकर आएंगे, और अगर कोई त्यौहार है, ईद है, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स मिलेंगे। जो ही वेदर चेंज होगा तो आपके डिस्काउंट्स भी चेंज हो जाएंगे। So sorry, there was some kind of issue in the net. अच्छा जी, तो हम आपको तमाम बेसिक किस्म की जितनी भी गाइडलाइन होती है, जिसमें आपको एज अ बिगनर प्रोडक्ट्स का पता होना, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इनिशियली, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट जब वो करते हैं। तो हमें, मैं आपको मोटा मोटा जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि आपको 20% ऑफ मिलता है, हमारी कैटलॉग होती है उस पर डिस्काउंट्स होते हैं, कुछ ऑफर्स होती हैं जो आपको अपने अपलाइन से समझने की जरूरत है कि उनको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी महीने के अंदर एवरी मंथ 2 सेल्स लगती हैं, जिसमें जरा ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। वो कैटलॉग के अलावा सेल्स होती हैं जो सिर्फ ई फ्लायर की सूरत में आपकी अपलाइन शेयर करती हैं, और उसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। तो और ये, और जो उस फ्लायर के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम ओरिफ्लेम इजिप्ट, ओरिफ्लेम लंदन, ओरिफ्लेम दुबई और ऐसी कंट्री से लेकर आते हैं। ठीक है, सो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देते हैं। उसके बाद हम आपको जो पहली चीज कहते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स जरूर परचेज करें ओरिफ्लेम से, और अपने घर का बेसिकली वी वॉन्ट यू टू स्विच द ब्रांड। अब इसको मैं एज एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी। फर्ज करें आपकी कोई दुकान है, मतलब आप एक दुकान खरीदते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ओरिफ्लेम की कोई दुकान ले ली या लेनी है। फर्ज करें आप एक कपड़ों की दुकान खरीद लेते हैं, जब आपके पास उसमें फैंसी कपड़े भी हैं, उसमें फॉर्मल भी हैं, हर तरह के कपड़े हैं, तो अगर आपने किसी भी फंक्शन पे जाना है तो आप किस दुकान से कपड़े लेंगे? अपनी ही दुकान से मैचिंग दुपट्टे, शलवारें, सारे कपड़े आप अपनी दुकान से लेंगे। आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है अगर फर्ज करें लाहौर के अंदर, और अगर आपको साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे? आप अपनी ही दुकान से लेंगे। आपका एक सलून है फॉर इंस्टेंस, आपने अगर तैयार होना है, कहीं जाना है, तो आप किस सलून से तैयार होंगे? अपने सलून से तैयार होंगे। आपकी जूतों की एक दुकान है, आपने जूते खरीदने हैं, तो आप किस दुकान से लेंगे? अपनी दुकान से लेंगे। आप किसी को गिफ्ट देंगे, कहाँ से देंगे? अपनी दुकान से देंगे। सो आपको ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ बताने के लिए कि जब आप इस ब्रांड से मुंसलिक हो जाते हैं जिसका नाम ओरिफ्लेम है, और आप ब्रांड के आधे पार्टनर हैं,
तो आधे पार्टनर के अंदर आपके दो तीन तरह के काम है। अपने ब्रांड को एक्सपैंड करना, फर्ज करें आपके बाप दादा का, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन, आपके वालिद दादा का मास्टर पेंट्स था, क्योंकि इसके ऐसा नाम ले रही हूँ जो सबको पता हो, ये जलाल संस था या अलफता था। अब दादा से आपके वालिद साहब के पास आया, आपके वालिद साहब पर क्या जिम्मेदारी बनती है कि इसके उसकी फ्रेंचाइजेज और बढ़ाएं, इसको एक्सपैंड करें, बिजनेस को मल्टीप्लाई करें। आपके वालिद साहब ने अपना काम किया, उसके बाद एज अ नस्ल आपके पास ये काम आ गया, ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस था, आपने 9 to 5 तो जाना नहीं है, अब आपके अख्तियार के अंदर है आप इसको बिल्ड करें या आप इसको अपनी हद तक रखें या डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। सो अगर आपने इसको बिल्ड करना है, उसका आसान तरीका क्या है कि उसी दुकान के अंदर आप मजीद नौकर रख लें और मजीद लोगों को हायर कर लें और अपनी प्रोडक्ट लाइन उसी दुकान के अंदर बढ़ा दें। अगर आपकी दुकान गुलबर्ग के अंदर है फॉर इंस्टेंस, तो गुलबर्ग का एरिया कैप्चर हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसको एक्सपैंड करने का क्या है, आप इसी अलफता को जैसा है इसको छोड़कर इस पर तो काम करेंगे ही करेंगे, आप इसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइजेस खोल दें। सो एक वक्त में अगर गुलबर्ग में आपकी सेल चल रही है तो ओकाड़ा में भी चल रही है, अगर ओकाड़ा में चल रही है तो गुजरांवाले में भी चल रही है, गुजरांवाले में भी चल रही है तो लाहौर डिफेंस में भी चल रही है, डिफेंस में, कैंट में, जितनी फ्रेंचाइजेस होंगी आपका काम आसान हो जाएगा। अब 24 घंटे में हर फ्रेंचाइज से पैसे बना रहे हैं। सो ओरिफ्लेम में दो तरीके हैं पैसे कमाने के। अब आप यहाँ के ब्रांड पार्टनर हैं, बहुत से लोग यूजर रह जाते हैं, बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं और बहुत से लोग अपनी फ्रेंचाइजेस को बढ़ा रहे होते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ कैटलॉग्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप बिजनेस छोटा मोटा शुरू करते हैं तो आप अपना नेम कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये आपके बिजनेस एक्सपेंशन के टूल्स होते हैं। आप अपने एफर्ट्स करें, आपके पास अपनी कैटलॉग्स होनी चाहिए, आपके अगर कपड़ों का काम है, आपकी अलमारी का काम है, आपका बेडशीट्स का काम है, आपका हेयर स्टाइलिंग का काम है, हेयर डाइज का काम है, तो लोग आपकी कैटलॉग देखते हैं कि जी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वर्बली उनको समझाने की कोशिश करें, तो आप उन्हें कैटलॉग बताते हैं ताकि वो आपकी मयार और चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को देख सकें। तो कंपनी आपको रिकमेंड क्या करती है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप कम अज कम 20 कैटलॉग्स में 720 या 740 रुपए की आपको मिल जाती हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी बिल्डिंग बिल्ड करने के बिजनेस के टूल्स हैं। अपना चाहें तो एक विजिटिंग कार्ड बना लें, स्टिकर्स बना लें जो आप कैटलॉग के ऊपर चिपका सकें, ठीक है, और आपके पास अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। देखिए मैं सैंपल और टेस्टर्स पे यकीन नहीं रखती हूँ, सबसे बड़ा सैंपल और टेस्टर आपकी जात खुद है। आप खुद कहीं से पढ़ते हैं और या किसी इदारे से इलाज कराते हैं या कहीं के कपड़े पहनते हैं, तो जो आपके दिल से बात निकलती है, जो आपकी जुबान तक आती है, वो आपका ट्रू टेस्टिमोनियल होता है। सो आप अपने लिए चीजें लें, सबसे पहले तो आप कंपनी को ट्राई करें कि खुद इस्तेमाल करके कि साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ओरिफ्लेम में हम तो मेकअप नहीं करते, दिस इज अ मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट जो लोग अक्सर कर रहे होते हैं, तो आप यकीन करें ये एक ऑब्जेक्शन नहीं है। आप उन्हें समझाइए कि ओरिफ्लेम की अगर कैटलॉग को आराम से पढ़ते हैं तो ओरिफ्लेम के अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, ओरिफ्लेम के अंदर हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, ओरिफ्लेम के अंदर मेकअप है, ओरिफ्लेम के अंदर फ्रेग्रेंसेस हैं, ओरिफ्लेम के अंदर टॉयलेट्रीज हैं, ओरिफ्लेम के अंदर जो है वो मतलब बहुत बड़ा वाइड रेंज है। तो आप अपने घर का सिर्फ ब्रांड चेंज करें जिसके अंदर आप हर घर की बुनियादी जरूरतें, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल हर घर में आती है और एक नहीं आते, छः छः सात सात आते हैं, और हर घर का के फर्क का शैम्पू भी डिफरेंट होता है और चीज़ें। तो आप अपने घर का सिर्फ, चूंकि आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना ब्रांड है, आप ब्रांड के पार्टनर हैं, मार्केट से चीज़ें लेने की बजाय आप ओरिफ्लेम से अपना ब्रांड चेंज करें और अपनी चीज़ें लें। अच्छा, वो जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे, एक तो आपको अपना साथी तजर्बा होगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप कंपनी का मेयार और उसकी चीज़ों के बारे में लोगों को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, ठीक है, जो दिल से होंगी। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछता है अच्छा आप क्या यूज करती हैं, तो आप अपना फौरी तौर पर वो प्रोडक्ट जो आप यूज कर रही हैं एज अ टेस्टर दिखा सकते हैं। जी आई एम यूजिंग दिस, आई स्टार्टेड दिस। जब मैं टीचर थी तो मैं हर एक को हैंड क्रीम दिखा देती
लिपस्टिक परफ्यूम दिखा देती थी यार, आई एम यूजिंग दिस, ट्राई इट, बहुत अमेजिंग है। तो लोग वाकई इंस्पायर होते थे और इस बात से भी होते थे कि आई एम ऑल्सो यूजिंग इट। उन्हें पता लगता है कि सिर्फ हवा में बातें नहीं करी, बात करी और साथ ही उसे कैटलॉग स्टिकर वाली दे दी। तो ये बड़ा पक्का काम हो जाता था कि मैंने अपनी प्रोडक्ट भी दिखा दी, मैंने उसको हल्का सा इन्वाइट भी कर दिया और उसको कैटलॉग भी दे दी स्टिकर वाली। सो वो घूम फिर कर आप ही के पास आएगा, आपसे पूछेगा कि वॉट इज दिस एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। कोशिश करें कि जितना जल्दी फेमिलियर हो सकें हमारे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ उतना अच्छा, जितनी जल्दी आप लर्न करें। और अगर आपके पास डिटेल्स नहीं होंगी और आप लोगों से बात करेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि लोग नो कर देंगे। जब आप ओरिजिनल को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के साथ ही एक खास तरह की आपकी ज्वाइनिंग बेसिकली फ्री हो जाती है ना, ऑनलाइन हो जाती है। मगर जो ही आप अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करें, जो ही आप अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कंपनी की तरफ से एक खास किस्म की अमाउंट लागू हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर से पहले, जो 500 कुछ रुपए की सूरत में होती है, जिस पर स्टार्टर किट लिखा हुआ होता है। आप जब अपना पहला ऑर्डर करते हैं, ओरिजिनल की रजिस्ट्रेशन वैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मगर जो ही आप अपना पैरा ऑर्डर करते हैं उसकी फीस है मेंबर बनने की, जो 498 रुपए है यानी 500 रुपए, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर के साथ कट जाती है, ठीक है। अपनी स्टार्टर किट को लेना आपका फर्ज है, लेना ही फर्ज नहीं है, उसको समझना, पढ़ना, देखना उसके अंदर क्या है। उसके अंदर बेसिकली कोई मेकअप नहीं होगा, उसमें प्रिंटेड मटेरियल होता है जिसमें कैटलॉग है, एक CPL है, यानी CPL कहते हैं कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट को। जैसे मैंने पहले बताया कि कैटलॉग के अंदर जितनी भी कीमतें लिखी हुई हैं वो कस्टमर प्राइसेस हैं, और उस पर अगर कोई डिस्काउंट लिखा हुआ है 20% तो आपको एज अ मेंबर मजीद 20 मिलता है, यानी 40% मिल जाता है। अगर एक प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो आपको एज अ मेंबर फिर भी उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा होता है। मगर बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है हाउ टू कैलकुलेट दैट 20%। तो CPL कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट इज अ पेपर जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट के कोड्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके नाम और उनकी प्राइसेस लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, आपकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी कैलकुलेट करना है तो आप जो प्राइस डिस्काउंटेड, डिस्काउंट अगर किसी पे मौजूद है या नहीं मौजूद है, आप वो कैलकुलेटर पे लिखोगे, माइनस लिखोगे, 20 लिखकर परसेंटेज का साइन लगा दोगे, आपकी कीमत कंसल्टेंट की निकल आएगी। आपको अपनी अपलाइन का, अपने मैनेजर का, अपने डायरेक्टर का पता होना बहुत जरूरी है। जिस तरह किसी भी आप मशीन को घर में लेकर आते हैं, आप किसी भी डिवाइस को घर में लेकर आते हैं, उसके साथ एक यूजर मैनुअल होता है जिसको आप पढ़कर उसको असेंबल कर लेते हैं, असेंबल हो जाती है या हुई भी होती है तो उसको चलाने के एक डिफरेंट चीजें होती हैं, जिसको जिससे जो आपको सिर्फ यूजर मैनुअल में पता लगती है कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगी। तो ओरिजिनल का यूजर मैनुअल उसकी स्टार्टर किट है। और अगर आपको स्टार्टर किट से समझ नहीं आ रही तो अपनी अपलाइन है, अगर अपलाइन भी गाइड नहीं कर पा रही तो आपका मैनेजर है, इन केस मैनेजर भी अवेलेबल नहीं है तो आपका डायरेक्टर तो मौजूद ही है जो आपको हमेशा गाइड करेगा। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। पहला स्टेप आफ्टर गेटिंग योर स्टार्टर किट या गेटिंग रजिस्टर्ड इज सेल्फ यूज। चेंज करें अपने घर का ब्रांड, अपने साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, डिस्काउंट्स भी लें 20%। उसके अलावा आपकी जो बहुत सी ऑफर्स होती हैं अलॉन्ग विद BPs, वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो मार्केट से साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट लेते हैं तो हम अपना ब्रांड नहीं स्विच कर सकते। तो आप फायदे दोनों के रख के देख लीजिए, आपको क्या फायदा है। आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ब्रांड का नाम लेती हूँ, लक्स। आप लक्स खरीद कर बाजार से घर लेकर आते हैं तो क्या बाजार से लक्स खरीदने के साथ आपको एक बिजनेस स्टार्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप लक्स को यूज करते हैं और लक्स खत्म हो जाता है तो लक्स के खत्म होने के साथ क्या एज ए टेस्टर आप किसी को शो कराते हैं तो क्या आपको कोई ऑर्डर देता है या आपको साथ मेंबर बनना चाहता है। जब आप लक्स की बात करते हैं, जब आप लक्स के बारे में लोगों को बताते हैं कि आई एम यूजिंग इट, तो क्या
आपके बताने से आपका कोई बिजनेस रेफर करने से एक्सपैंड होता है या फ्रेंचाइज खुलती है, लोग जाकर लक्स लेकर आ जाते हैं, आपने 6 लिए, लोग 12 लेकर आ जाते हैं, 12 लोग 12 12 लेकर आते हैं, तो आपको कोई फायदा होता है या आप सिर्फ लोगों का ब्रांड ही प्रमोट कर रहे हैं? सो हम अपनी जिंदगी में बहुत सी दफा बहुत से लोगों के ब्रांड्स प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ, मगर आपको उसका कोई फायदा नहीं होता, चाहे लोग मेंबर बने या चाहे लोग उसकी प्रोडक्ट्स को यूज करें। ठीक है, तो ओरिफ्लेम के साथ क्या होता है, जब आप मेंबर बनते हैं और आप प्रोडक्ट यूज करते हैं खुद के लिए, तो वो प्रोडक्ट आपका टेस्टर बन जाती है एक तरह से, और जब आप लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ मेंबरशिप में इंटरेस्टेड होते हैं, और जितने लोगों तक आपके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये चीज पहुंचती है, वो तमाम लोग आपको बिजनेस की सूरत में फायदा दे रहे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट के साथ बहुत सी ऑफर्स हैं, ऑफर्स के साथ बहुत से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पर बहुत से पैसे मिलते हैं, पॉइंट्स आपके जाती भी होते हैं और पॉइंट्स आपकी टीम के भी होते हैं। आसान काम किसी भी चीज को करने का क्या है, टीम बना ली जाए। जिस तरह एक मजदूर एक दीवार को 7 घंटे में बनाता है, अगर 7 मजदूर होंगे तो वही दीवार 1 घंटे में बन जाएगी। लोगों की ताकत मैटर करती है, लोगों की जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, आपके पास उतने पॉइंट्स ज्यादा आसान रहेंगे। ठीक है, बेस्ट सेलर क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं वो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बन जाती है। जो चीजें आप खुद यूज करते हैं वो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, क्योंकि उसमें आपका जाती टेस्टिमोनियल शामिल होता है। अच्छा जी, बहुत ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करता है उसका एक होल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट आप तक पहुँचती है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद वो डिफरेंट वेयर हाउसेस में जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सारी ऐड होती है, फिर वो प्रोडक्ट किसी स्टोर में लगती है, बिजली का बिल, सेल्स गर्ल के पैसे, सब कुछ मिलकर आपके पास क्या आता है, आपके पास हार्डली कुछ आता है। मुख्तलिफ ओकेजन्स के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप मुख्तलिफ पोस्ट बनाकर लोगों को एंगेज करते हैं और ओरिफ्लेम का पार्ट बनते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करें प्रोडक्ट की। हम क्लासेस अक्सर दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात भी चल रही होती है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो कैटलॉग है उसकी अगर आप साइट पे इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। दूसरा सबसे मुझे आसान तरीकेकार लगता है कि आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है गूगल से ले सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप हमारी वेबसाइट से भी बहुत सी आइडियाज ले सकते हैं कि प्रोडक्ट के इंग्रीडियंट्स क्या हैं। इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी को ये बात कहूँ कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, स्वीडन की हैं, नेचुरल हैं, साइंस का कॉम्बो है, इम्पोर्टेड है, अगर मैं उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पे बात करूंगी कि यार इसमें नायसिनमाइड है, नायसिनमाइड एक ऐसा केमिकल है जो आपकी स्किन के साथ बहुत फ्रेंडली चलता है और नायसिनमाइड पोर्स को मिनिमाइज करता है, वो आपकी स्किन को जेंटली साफ करता है, निशान दूर करता है और आपके पिंपल्स को भी अवे करता है। सो आप नायसिनमाइड जरूर यूज करें। जिस तरह मैं कहूँ निंगन बेरीज प्रोडक्ट के अंदर है, निंगन बेरीज स्वीडन के अंदर उगती है -40 टेम्परेचर पर, और जो चीज -40 टेम्परेचर पर उगती हो वो आपकी स्किन पर क्या वंडर्स करेगी। जो लिंगन बेरी है वो आपकी स्किन के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जब आप बात कर रहे होते हैं नॉलेज से बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट नॉलेज से, तो लोग ना सिर्फ आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपको अपना वाकई कंसल्टेंट मानते हैं। कंसल्टेंट कौन होता है, जिससे लोग कंसल्ट कर सकें। लोग जो बातें यहाँ कर रहे होते हैं, फोटोशॉप तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, वो इतनी झूठ होती हैं और इतने मिरेकल और क्लेम्स इतने फेक होते हैं कि पहली बात तो लोग यकीन ही नहीं करते। वो कहते हैं हमने बहुत से पेजेस पर ये कहानियां देखी हैं, दूसरी बात वो आपसे दोबारा ताल्लुक कायम नहीं करते। आपकी बात सेंस बना रही होगी, आपकी आप नॉलेज से बात कर रहे होंगे, आप सच्ची बात कर रहे होंगे, तो लोग आपको जरूर कनेक्ट करेंगे। की क्या है, नॉलेज एम्पावर्स यू। बाहर चीज जो ओरिफ्लेम में कामयाब और नाकाम बनाती है, दैट इज नॉलेज अबाउट बिजनेस, दैट इज नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज द एप्स, हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, हाउ टू इनवाइट अदर्स,
how to talk to them, how to give presentations, knowledge of business, knowledge of traveling. आपके पास जितनी नॉलेज इससे रिलेटेड होगी उतना आप ज्यादा कामयाब हो जाएंगे. कामयाब और नाकाम शख्स के दरमियान एक बाल का फर्क होता है. कामयाब शख्स एग्जैक्टली राइट करता है, नाकाम नियरली राइट करता है. ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना सोच सकते हैं और कितना आगे जा सकते हैं. अच्छा जी, जब आपके पास प्रोडक्ट की अपनी नॉलेज होगी, क्योंकि इस काम को करते हैं जब भी कोई भी करता है सबसे पहले वो यूजर बनता है, यूजर बनते ही कॉन्फिडेंस आता है. उसके बाद वो जो दूसरा काम करता है वो रिकमेंड करने का अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं. क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन यूजर, सेलर और लीडर की है, यूजर भी आप अच्छे तभी होंगे, सही अपने लिए प्रोडक्ट का इंतखाब तभी हो सकता है जब आपको अपने लिए प्रोडक्ट की स्किन टाइप अपनी पता हो, अपनी एज के हिसाब से आप अपने लिए सही प्रोडक्ट चुन रहे हो. तो प्रोडक्ट की नॉलेज अपने लिए या अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो किसी के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपने सबसे पहले डेवलप, अच्छा लोग क्या करते हैं, हाँ हमें एक ही क्लास में सारा समझ आ गया, और मैम अब तो कुछ बताने की आपको हमें जरूरत ही नहीं. अंग्रेजी का आना, ठीक है, बहुत सी मेडिकल टर्म्स जो होती हैं वो अंग्रेजी में ही होती हैं, मगर हमें समझ नहीं आती, चाहे हमें अंग्रेजी आए या नहीं आए, वो उसके साथ लिंक्ड होती है मेडिकल टर्म्स. सो अंग्रेजी आने से मेडिकल टर्म्स आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकती. इसी तरीके से ओरिफ्लेम को समझने के लिए आपको लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. सो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को सेल या रिकमेंड करने में. आपका अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ट्रस्ट का बनता है. एक तो आप नॉलेज से बात कर रहे हैं तो आप सही बात कर रहे हैं, दूसरा आप नॉलेज से बात उसको दे रहे हैं तो वो जब प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको फायदा होगा, तो उसका ट्रस्ट भी बनना शुरू हो जाएगा. आप मैच करेंगे राइट प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स के साथ सिर्फ नॉलेज से, उनकी नीड्स के साथ. आप आई चलाई वाला काम नहीं कर रहे, ये यूज कर लो यार, उस पेज पे लिखा था यार, उसने बताया था, आप सही बता रहे होंगे. आप बेटर अपने आप को सेल्स पर्सन, देखिए ओरिफ्लेम में मैं सेलिंग की बात नहीं करती हूँ, मगर कभी कोई आपसे आपकी डाउनलाइन ही पूछ लेती है कि मुझे कोई प्रोडक्ट यूज करनी है, आप बताएं क्या है, तो आप कैसे बता सकते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, डेमो नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, अगर आपको खुद नहीं नॉलेज. आप ओवरकम कर लेंगे बहुत से ऑब्जेक्शन को सक्सेसफुली अगर आप नॉलेजेबल होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो या बिजनेस नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज हो. आप प्रोवाइड करेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज, क्योंकि आप उस शख्स को, आपको पता होगा जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया उससे मैंने दोबारा कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है. उसके बाद आपको अपने कस्टमर को जानना, क्योंकि अभी हम पहले दो फेजेज में, खुद को प्रोडक्ट यूज करना और रिकमेंड करना है, सेल करना. अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि वो हु आर दे, वो कौन है. देखिए मैं, कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. कम्युनिकेशन से आप अपने फासले खत्म कर लेते हैं. कम्युनिकेशन होती है एक शख्स का दूसरे शख्स से रابطہ, और आप अपनी तमाम बात को हर तरीके से, फिजिकल अपीयरेंस से, आंखों से, हाथों से, जुबान से, उस दूसरे शख्स तक पहुंचाएं. और जब आप पहुंचाएं तो वो अमल करे, एक्शन करके बताए आपकी उस नॉलेज के बाद. तो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका अपनी टीम्स के साथ होगा, उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग जो हैं वो तरीके से काम कर रहे होंगे, ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपको ये जानना सबसे पहले जब आप लोगों से बात करेंगे, उनकी नीड, उनकी ग्रीड, उनकी हंगर का पता होना जरूरी है, उनके ड्रीम का पता होना जरूरी है, उनके फैमिली मेंबर्स का पता होना जरूरी है, वो किस इलाके में रहते हैं पता होना जरूरी है, वो एट प्रेजेंट कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं पता होना जरूरी है. उससे क्या होगा, एक तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कैटेगरी, किस प्राइस रेंज की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनके इलाके में कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, उनकी एज क्या है, उनके घर में कितने बच्चे हैं, कितने लोग रहते हैं, उनका बजट महीने का कितना है. जब आपको ये तमाम बातें पता होंगी आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब आप उनसे एक अच्छी दोस्ती करेंगे और उनसे एक अच्छी कम्युनिकेशन. वो कौन है, वो कितने साल के हैं, कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खर्चते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे, वो मेल है, फीमेल है, कोई
पर्टिकुलर उनका बैकग्राउंड है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत से कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, फर्ज करें अगर हिंदू रहते हैं तो फिर होली आएगी और त्योहार आएंगे, अगर क्रिश्चियन रहते हैं तो क्रिसमस आएगा, आपका ईस्टर आएगा, अगर मुसलमान है तो उनके डिफरेंट इवेंट्स आएंगे, तो आपको उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और कहाँ पर है, किस पोजिशनिंग पर है, उसके बाद आपने उनके ट्राई करनी है, जो फिर उनकी प्रॉब्लम सुननी है, फाइनेंशियल हो सकती है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोनली हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आपको अच्छा दिखना है, कोई फेस पे इशू है, तो आप उसके इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, उनको सबसे अच्छा लगेगा आप उनकी बात करें, व्हाट मैटर्स टू देम, उनकी जेब से पैसे ना निकलवाएं, उनकी बात सुनने और उनको सलूशन दें, अपनी नहीं मारनी, ये नहीं बताना मुझे क्या फायदा है, आपने बताना है आप क्या लूज कर रहे हैं, आपको क्या क्या फायदे हैं और उनको क्या मैटर करते हैं। याद रखिएगा, किसी की जेब से जब आप पैसे निकलवाते हैं ताल्लुक के बगैर, तो आप उसके असंसेयर नहीं है, आप दिलवाते हैं तो सिंसेयर है। उसको क्लियर रोड मैप दिखाएं, उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाएं, उसको मनी मेकिंग दिखाएं, उसको डेजिग्नेशंस दिखाएं, उसको ट्रैवलिंग दिखाएं, उसको कैश अवार्ड दिखाएं, उसको बताएं कि व्हाट ही इज मिसिंग, और उसको बताएं कि ये फर्स्ट स्टेप है, हर शख्स ओरिफ्लेम वर्ल्ड का इस फर्स्ट स्टेप से ही आगे गया है और अकेला ही आया है, ठीक है। और आप उनको बताइए कि आप खुद इस्तेमाल करें, लोगों को रिकमेंड करें, आप क्या फील करते हैं इस्तेमाल करके प्रोडक्ट, और कैसी लगती है, और बहुत सी ऐसी चीजें जो उनके लिए काम कर सकती हैं। आपको अच्छा रिलेशनशिप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ बनाना है, और यही आपके बिजनेस पार्टनर भी बाद में बनेंगे, और ये आपने वाइजली चूज करना है और सही शख्स से सही बात करनी। अब हम बात करेंगे लीडरशिप की। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट के अंदर, बिजनेस के अंदर, गेटिंग स्टार्टेड के अंदर, नेम लिस्ट के अंदर, इनवाइटिंग के अंदर, बात करने के अंदर, रिकमेंड करने के बाद, आफ्टर सेल्स के अंदर, हर चीज के अंदर नॉलेज इन्वॉल्व है। तो लीडर जिसने ओरिफ्लेम में बनना है, क्या उसमें नॉलेज नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी आपका की पॉइंट क्या है, नॉलेज एम्पावर्स यू, आपके पास लीडरशिप की हर नॉलेज आपको काम करती है। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया लीडरशिप की तरफ पहला कदम क्या है, आप इन्वेस्ट करते हैं 20 कैटलॉग्स में हर महीने, और हर कैटलॉग के अंदर हर महीने बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स होती हैं। जब आप कैटलॉग में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ लोग सेल्फ यूज करते हैं, अगेन वो ही साइकिल चलेगा, वो ही डुप्लीकेट होगा, कुछ लोग इसको एज अ सेलर लेते हैं और कुछ लोग आपके साथ बनते हैं लीडर्स। जब आप एज एन ऑन्टरप्रन्योर डिसाइड करते हैं कि हमने लीडर बनना है, लीडर मीन्स ऑन्टरप्रन्योर बनना है, तो आपका, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आप ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं, मगर आप यूजर से आगे निकल गए हैं, आपका माइंड चेंज हो गया, आप सेलर से आगे निकल गए, आपका माइंड चेंज हो गया, आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, आप चाहते हैं आपका नाम हो, आप चाहते हैं बैंक बैलेंस हो, आप चाहते हैं आपको कैश आउट मिले, आप चाहते हैं आपकी रिकग्निशन हो, आप चाहते हैं आप ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड करें, आप चाहते हैं आप बोलें लोग सुने, तो आप लीडरशिप की जगह पर आ गए। जब आपने डिसाइड कर लिया आपने लीडर बनना है, तो अब आप क्या करेंगे कि आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा उसके साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे होते हैं। रिस्क क्या होता है, एकदम सक्सेस नहीं मिलती। रिस्क क्या होता है, आप 9 to 5 काम नहीं कर रहे होते। रिस्क क्या होता है, आप अपने बॉस हैं, ये उल्टा चल रहा होता है। जब आप अपने बॉस हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप काम ही नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क है। जब आपको पता है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इस काम के अंदर, तो आप नॉन सीरियस हो सकते हैं। जब आपको पता है कि ये तमाम चीजें, अगर आप सीरियस तरीके से ओरिएंटेड का बिजनेस कर रहे हैं, सीरियस तरीके से इसके साथ जुड़ते हैं, इसको काम समझ के करते हैं, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। ओरिफ्लेम को जब आप ज्वाइन करते हैं, आप अपने बॉस, मैं आप किसी के ऊपर नहीं है, यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं जो आपकी अपलाइंस हैं, जो आपको सिर्फ गाइड करती हैं, हम आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकते। सो आप अपना वाय तलाश करो, आपने इस काम को क्यों
किया शुरू, क्योंकि आपका वाय एक्चुअली जो है वो आपको लीडर बनाएगा और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा और आप काम करते रहेंगे। ओरिफ्लेम में आप अपने बॉस होते हैं, जिसमें आप अपनी ब्यूटी, अपना टाइम अपने हिसाब से, आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, जो भी है आप उससे इनकम बना रहे होते हैं। आप आज अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप इमीडिएट प्रॉफिट पे काम कर सकते हैं, यानी 20% ऑफ पर, और आज से पैसे बना सकते हैं, या टीम बनाकर इन द लॉन्ग रन अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने पहले साल में कुछ नहीं कमाया होता, पहला साल उनका ऐसे ही गुजर रहा होता है और ग्रेजुअली फॉर लाइफ टाइम वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगेगा आप एक दिन में या दो दिन में सब कुछ कर लेंगे, तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ये कोई जुआ नहीं है, कोई कुरानदाजी नहीं है जिसके अंदर आप रातों रात चीजें कर लेंगे। बिजनेस बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपने बुर्ज खलीफा देखा है? बुर्ज खलीफा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स दुनिया की। बुर्ज खलीफा जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर है। उसको बनने के अंदर एक खासा टाइम लगा, मगर उसकी बुनियादें इतनी मजबूत और इतना टाइम लगाकर बनाई गई जमीन के अंदर, ताकि ऊपर जाते हुए जो इमारत है वो गिरे नहीं। सो सेम इज द केस, जब आप बिल्ड करते हैं बिजनेस तो आपको टाइम लगता है उसको बनाने में, एकदम से आपको अर्निंग नहीं आती। मगर ये वाहिद काम है नेटवर्क मार्केटिंग जो दुनिया के साथ, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया का ये आठवां जुबा है नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपने इसको समझ के करना है। इसमें इमीडिएटली आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा। आपको पता होना चाहिए आप कैसे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, हमारा सक्सेस प्लान आपको पता होना चाहिए, आप कैसे लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स और उनसे पैसे ले सकते हैं, कैसे आप ओरिफ्लेम के कंसल्टेंट से 20% ऑफ से आप एक लीडर बन सकते हैं, कैसे जब आप बिल्ड करेंगे अपनी टीम और लोगों को इनवाइट करेंगे कि वो भी आपको ज्वाइन करें और मिलकर आप सब लोग पैसे कमा सकें। ये बार बार स्लाइड हमने रिपीट की है कि इन्वेस्ट करें 20 कैटलॉग्स में। ये टॉप सेलर टिप है। आपने यूजर बनना है, सेलर बनना है या लीडर बनना है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिफ्लेम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे हुए ही जूम लिंक से ही फ्लेक्सिबल आवर्स में अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को आज स्टार्ट करें, इमीडिएटली आप प्रोडक्ट्स लें, बिल्ड करें टीम और अपनी अर्निंग्स ओवर द पीरियड, अपनी कोचिंग के थ्रू आप ग्रो करें बिजनेस को। आपको किसी भी पुराने एक्सपीरियंस की, आपको किसी भी तरह के सेल के बैकग्राउंड की, किसी तालीम की, तजर्बे की, जेंडर की, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हम आपको हर स्टेप पर गाइड करते हैं इस जर्नी के अंदर। हम आपको डिजिटल टूल्स हैं, हर चीज ऑनलाइन है। आप हमारे साथ काम करके ऑनलाइन सब कुछ सीखते हैं, आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, आप अपनी मुख्तलिफ वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और आपको जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चीजें चाहिए वो तमाम हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आपने अपना गोल सेट करना है। वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छी टर्म है, मगर वर्क फ्रॉम होम को लोग बिल्कुल इतना घरेलू ले लेते हैं कि आप उस पर काम ही नहीं कर पाते। देखिए, वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें आपको कोई जगह नहीं चाहिए, आपका घर है, आपको किराया नहीं देना, आपने जगह नहीं खरीदनी, आप घर में रह रहे हैं, आपने मेकअप किया हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए, बुरे पहने, आप किसी भी तरह से घर से इस काम को कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के अंदर रहकर पैसे कमा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ बीइंग एन ओरिफ्लेम ब्यूटी कंसल्टेंट इज आपके पास फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप जहां से चाहें काम कर सकते हैं। आप अपने सोफे पे बैठ के काम कर सकते हैं, बेड पे काम कर सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं। आप 9 to 5 को भूल जाएं, लॉन्ग ट्रैवलिंग को, ऑफिस स्ट्रक्चर को, कपड़ों को और चीजों को, आप अपने घर से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। घर सबसे हैप्पी प्लेस होती है। ओरिफ्लेम ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें आप अपने स्केड्यूल और अपने लाइफस्टाइल, अपने माइंड के हिसाब से काम कर सकते हैं। ओरिफ्लेम कहता है विद अस इट्स ऑल अबाउट यू। चाहे आप एक एंजॉय करना चाहते हैं, डिस्काउंट्स वो आपको मिलेंगे, फेवरेट प्रोडक्ट आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी, आप एक फुल टाइम ब्यूटी एंटरप्रेन्योर के तौर पर सामने आ सकते हैं।
आप अपने तरीके से इस काम को कर सकते हैं, आप पैशन से करेंगे, आप अपने रेस्ट से कर सकते हैं, ट्रेनिंग से कर सकते हैं, टूल से कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल का टारगेट बना के कर सकते हैं, प्रोडक्ट से कर सकते हैं, हम आपको एज अ कम्युनिटी सपोर्ट करेंगे। इट्स टाइम टू क्लेम योर वर्क लाइफ पैशन बैलेंस, ये टाइम है अपने बैलेंस के साथ काम करने का। ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो आप ओरी फ्लेम के साथ जुड़कर एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, और जिसके अंदर अमेजिंग लोगों से आपकी पूरी दुनिया की मुलाकात होगी। आपके वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन ओरी फ्लेम ब्रांड पार्टनर इज गेटिंग अ चांस टू मीट न्यू फ्रेंड्स। आप सारा वक्त ऑन द गो रहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप सोशली कनेक्टेड होते हैं, आप वर्ल्ड की सैर करते हैं, लोग अपने ब्यूटी इंटरेस्ट शेयर करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की स्पिरिट, गोल्स, अपने तरीकेकार शेयर करते हैं। आप एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, इंस्पिरेशनल ग्लोबल ब्यूटी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसको 50 साल का तजर्बा, यानी 55 साल का तजर्बा है पूरी दुनिया में काम करते हुए। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, टिप्स शेयर करते हैं, लाफ्टर शेयर करते हैं, सॉरो शेयर करते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करें और सक्सेसफुल बनाए। Oriflame कहता है make money today and fulfill your dreams tomorrow. As a brand partner, आप entitled होते हैं जब आप products का order करते हैं, आपको reduced price पर products मिलती हैं, आपको different benefits discounts की सूरत में मिल रहे होते हैं, आप register करवाते हैं और partners को, तो आपको मजीद फायदा होता है। अगर आप decide करते हैं sell करने के लिए products को customer को, तो आप ये कर सकते हैं, उसमें आप फौरी तौर पर अपना मुनाफा ले लेते हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं इनवाइट करके अपनी टीम बनाने की, जो लोग आप अपना बाद में ब्रांड चेंज करें यहाँ से, तो आप उससे भी डिफरेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट की सूरत में फायदा ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और इसमें की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब कर भला सो हो भला, आप लोगों की मदद करके अपने बहुत से ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। देने की सिफ्त बहुत बड़ी सिफ्त है, याद रखिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपना टाइम, उम्मीद, अपनी बहुत से तजर्बे, अपनी नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज जब आप लोगों से शेयर करते हैं, शेयरिंग या देने की सिफ्त अल्लाह की सिफ्त है, ये अल्लाह की खूबियों में से खूबी है। अल्लाह बिन मांगे हम सबको बहुत चीजें अनायत करता है, चाहे हम मुसलमान है या नहीं है। अल्लाह की बेहतरीन अता यही है कि जो फरिश्ता शाम के टाइम आपके गुनाहों की लिस्ट ऊपर लेके जाता है, उसी के थ्रू ही अल्लाह अगले दिन आपको रिस्क भी पहुंचाता है। सो अल्लाह पाक जो है वो देने वाली सिर्फ अल्लाह की, जब आप अल्लाह की सिर्फ ये खूबी अपने अंदर थोड़ी सी अपनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं और लोगों के ड्रीम्स पूरे करते हैं, तो अल्लाह इस बात का अपने ऊपर वो नहीं रखते, अल्लाह आपको मजीद दे देते हैं। सो आप ओरिफ्लेम के साथ, आप ओरिफ्लेम के साथ अपने बहुत से ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। कैसे? लोगों को हेल्प आउट करके, लोगों की मदद करके, कर भला सो हो भला। एक दफा ईदी साहब से किसी ने पूछा कि आप ईदी कैसे बने, उन्होंने कहा कि देने की सिफत ने मुझे ईदी बना दिया। मेरी माँ मुझे दो आने देती थी, मैं एक आना खर्च करता था और एक आना दे देता था। सो आप ओरिफ्लेम के अंदर बहुत से अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाकर और उनको हेल्प करके, हैंड पुलिंग करके। पूरी दुनिया में लेग पुलिंग होती है, ओरिफ्लेम में हैंड पुलिंग होती है। आप लोगों के ख्वाबों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं और अपने भी बहुत से ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के। तो ये तो थी हमारी आज की ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि यूजर क्या करता है।